प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में देश भर के छात्रों से तनाव मुक्त परीक्षा की तैयारियों व परीक्षाओं को बेहतर ढंग से देने के लिए परीक्षा पे चर्चा 2020 कार्यक्रम के तहत किया सीधा संवाद। लाखों शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों ने भी इस कार्यक्रम के लिए दिए सुझाव। जगत प्रकाश नड्डा की भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हुई ताजपोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मंत्रिमंडल के सदस्यों व अन्य वरिष्ठ पार्टी नेताओं ने दी बधाई। उच्चतम न्यायालय में निर्भया मामले के एक दोषी पवन की याचिका पर हुई सुनवाई के बाद न्यायालय ने पवन की वारदात के समय नाबालिग होने की याचिका की खारिज। भारत ने 3,500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली परमाणु शक्ति से लैस मिसाइल का किया सफल परीक्षण। इसे पनडुब्बी से भी किया जा सकेगा लॉन्च। बिहार में नीतीश सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण व समाज सुधार गतिविधियों को लेकर आम जागरूकता बढ़ाने के लिए लोग उतरे सड़कों पर, मानव श्रृंखलाएं बनाई गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन के साथ आरजेडी का 4 सीटों पर लड़ने का फैसला। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष व सीएम केजरीवाल ने 10 घोषणाओं वाला गारंटी कार्ड किया जारी। कश्मीर में केंद्रीय योजनाओं व नीतियों पर सीधे संवाद के लिए केंद्रीय मंत्रियों के दल ने आज तीसरे दिन भी लोगों से वार्ताओं के कार्यक्रम किए आयोजित। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सैन्य बलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकवादी मारे गए। चीन में सार्स से मिलते जुलते रहस्यमयी कोरोना वायरस फैलने की खबर से दहशत। बीजिंग सहित कुछ अन्य क्षेत्रों में 136 मामलों में पाया गया है ये वायरस। अब खबरें खेल जगत से। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से जीती। बंगलुरु में तीसरे मैच में रोहित शर्मा की 119 व कप्तान कोहली की 89 रनों की पारी की सहायता से भारत ने 7 विकेट से जीत की हासिल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र पदक तालिका में लगातार शीर्ष पर बरकरार।